पाइथन प्रोग्रामिंग की पैटर्न प्रिंटिंग की सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब हम आ चुके हैं इन्वर्टेड ट्रायंगल को प्रिंट करने के लिए। अगर हम बात करें इन्वर्टेड ट्रायंगल को प्रिंट करने के लिए तो हम सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पर भी आपके पास दो इम्पॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले आपका आउटर लूप, उसके बाद आपका इनर लूप। आउटर लूप आप रो के लिए यूज करते हैं और इनर लूप आप यूज करते हैं कॉलम्स को प्रिंट करने के लिए। तो आपको ये कॉन्सेप्ट जब भी किसी भी टाइप का ट्रायंगल, हाफ डायमंड या फुल डायमंड प्रिंट करना हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा अपने माइंड पे सेट करके रखना होगा, ताकि आपके पास पैटर्न प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकें। तो आइए हम देखते हैं इन्वर्टेड ट्रायंगल को हम किस तरीके से अपने प्रोग्रामिंग में प्रिंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर आपके सामने जो प्रोग्राम डिस्प्ले किया है, यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम इन्वर्टेड हाफ ट्रायंगल को प्रिंट करेगा। इसके लिए हमने नेस्टेड लूप का यूज़ किया है और उस नेस्टेड लूप में हमने आउटर लूप में और इनर लूप में दोनों लूप में फॉर लूप का यूज़ किया है। अगर हम बात करें आउटर लूप की तो हमने यहाँ पर वेरिएबल आई लिया है, इसके साथ हमने यहाँ पर रेंज दिया है, स्टार्ट वैल्यू 6, स्टॉप वैल्यू 1 और स्टेप वैल्यू है -1। ये हमारे रो को रिप्रेजेंट करेगा। इसी के साथ हमने इनर लूप में लिया वेरिएबल j, स्टार्ट वैल्यू 1, स्टॉप वैल्यू i तक की वैल्यू होगी हमारी स्टॉप वैल्यू। और अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेप वैल्यू की तो हमने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर स्टेप वैल्यू होगी 1 की। ये जो इनर लूप है वो हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट करने वाला है। इसके साथ ही साथ हमने इनर लूप में ही j को प्रिंट लिया है, और जैसे ही हमारा j कंप्लीट होगा, जे का इटरेशन, तो हम आउटर लूप में चले जाएंगे और उसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके वर्किंग की। अगर हम रो नंबर 1 पे हैं तो हमारे पास सबसे पहला जो वैल्यू होगा आई का वो होगा 6। 6 जब होगा तब हमारे पास कॉलम जो होगा वो क्या प्रिंट करेगा। कॉलम में हम प्रिंट करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप वैल्यू थी i, इसलिए यहाँ पर हम 5 तक प्रिंट करेंगे। इसके बाद जैसे ही हम 5 से आगे होंगे तो हमारे पास रो की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और क्योंकि हमने स्टेप वैल्यू दी थी i के पास -1 की, इसलिए 6 से अब हमारा रो हो जाएगा 5। और कॉलम के लिए जो हमारी वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 1, 2, 3 और 4, क्योंकि यहाँ पर फिर से हमने 5 i की वैल्यू ली है, इसलिए उससे एक कम तक कॉलम की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक इसी तरीके से बात करें हम, जब i की वैल्यू 4 होगी तो हम रो नंबर 3 पे होंगे, और कॉलम के लिए हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 1, 2 और 3। ठीक इसी तरीके से हमारे पास रो नंबर 3 मिलेगा, उसके बाद रो नंबर 2 मिलेगा। इसके बाद हमारा प्रोग्राम एग्ज़िट कर जाएगा, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ पर आई के साथ दी थी। इसके बाद अगर हम देख लेते हैं इसका आउटपुट किस तरीके का होगा, तो ये रहा इसका आउटपुट आपके सामने, जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि ये हाफ इन्वर्टेड ट्रायंगल किस तरीके से प्रिंट हुआ है। यहाँ पर हमने आपको जो एक्सप्लेन किया था उससे इस आउटपुट को आप कंपेयर कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ हमने एक दूसरा एग्जांपल भी लिया है, जिसके थ्रू आपको इन्वर्टेड रिवर्स ट्रायंगल को समझने में थोड़ी हेल्प होगी। हम देखते हैं अपने दूसरे एग्जांपल को। तो यहाँ पर हमने फिर से लिया है आई में एक वैल्यू ली है रेंज के लिए 1 से 6, जे में एक वैल्यू ली है, वहाँ पर स्टार्ट वैल्यू दिया 5, स्टॉप वैल्यू दी आई -1, और यहाँ पर स्टेप में दिया है फिर से -1। इसके बाद फिर से जे को प्रिंट लिया, साथ ही साथ आउटर लूप में न्यू लाइन के लिए एक फिर से प्रिंट स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं इसके आउटपुट की बात करते हैं। तब जब हमारे पास i की वैल्यू 1 होगी
तो हम रो नंबर फर्स्ट पे होंगे और यहाँ पर जो कॉलम की वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी सबसे पहले 5। आई माइनस 1 तक चलना है, मतलब हम 1-1 0 0 से पहले तक, 5 के बाद 4 3 2 फिर 1, 0 से एक कम। इसके बाद हमारा रो चेंज होगा, रो चेंज होगा तो हम रो नंबर 2 पे चले जाएंगे और कॉलम की वैल्यू फिर से हम 5 से स्टार्ट करेंगे, जो कि आई माइनस 1 से पहले तक की वैल्यू को प्रिंट करेगा, मीन्स 2 तक, 5 4 3 2। इसके बाद रो नंबर 3 पे जो कॉलम प्रिंट होंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे, 5 4 3। फिर इसके बाद रो नंबर 4 और रो नंबर 5 में भी सेम प्रिंटिंग होगी और इसके बाद हमारा प्रोग्राम एग्ज़िट कर जाएगा, क्योंकि हमारा जो आई का इटरेशन था वो भी कंप्लीट हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं इस प्रोग्राम के आउटपुट की, तो इसका प्रोग्राम आपके पास कुछ इस तरीके का आउटपुट प्रोवाइड करेगा, जो कि हमने आपको पहले ही अपने एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको नेस्टेड लूप से रिलेटेड किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर हमने पिछले अपने नेस्टेड लूप वाले वीडियो को अपलोड किया है। उसके बाद आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको इन्वर्टेड हाफ ट्रायंगल प्रिंट करने का ये वीडियो ईजिली समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड वीडियो।